आरजेडी और कांग्रेस में बन गई सहमति, महागठबंधन में सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान गुरुवार को हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच चली लंबे दौर की वार्ता के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बताया जा रहा है कि लालू एवं तेजस्वी यादव कांग्रेस को 8 से 9 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इनमें पूर्णिया शामिल नहीं है, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। पूर्णिया से आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आईन विधायक बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस से टिकट मांग रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू एवं तेजस्वी यादव कांग्रेस को कटिहार सीट देने को तैयार हैं। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को उतारना चाहती थी, मगर आरजेडी ने सीट बंटवारे के बिना ही जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को प्रत्याशी बनाकर सिंबल बांट दिया। कुशवाहा गुरुवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। कांग्रेस नेता निखिल कुमार और उनके समर्थकों ने आरजेडी के इस फैसले का विरोध भी किया, मगर लालू एवं तेजस्वी ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को आरजेडी 8 से 9 सीटें देने को तैयार है। इनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण या वाल्मीकि नगर, सासाराम और शिवहर शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता आरजेडी के रवैये से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर खाने के कई नेताओं ने आलाकमान को अपना विरोध दर्ज कराया, मगर बिहार में कांग्रेस की आरजेडी के साथ रहकर चुनाव लड़ने की मजबूरी बन गई है। केसी वेणुगोपाल, अखिलेश प्रसाद सिंह समेत अन्य नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी नहीं सोच सकती है, इससे कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है।